अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। बिस्टान उद्वहन सिंचाई योजना में एनवीडीए और ठेकेदार की लापरवाही के कारण योजना अधर में पड़ी हुई है। 3,74,00,000 रुपए की लागत से बिस्टान उद्वहन सिंचाई योजना में ठेकेदार और विभाग की लापरवाही के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगभग 4 साल से चल रहे निर्माण कार्य के बाद ठेकेदार द्वारा मात्र 10 किलोमीटर की टेस्टिंग की जाकर वाहवाही लूटी जा रही है। इसको लेकर कहीं किसान खुश हो रहे हैं तो कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि ग्यासपुरा तक काम पूर्ण कर लिया गया है, इसके आगे का काम अभी भी अधर में लटका हुआ है। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार और विभाग की लापरवाही के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। नागझिरी क्षेत्र के किसान लखन मोतीराम कुशवाहा ने बताया कि खेत खाली होने पर मैंने विभाग और ठेकेदार को अवगत कराया कि खेतों से लाइन डाल दी जाए, लेकिन चुने की लाइन डालने के बाद वापस पलट कर आए ही नहीं। 1 सप्ताह हो चुका है। किसान का कहना है कि फसल बोने के बाद हमारा नुकसान होगा। वो समस्या क्या है कानो, मतलब खेत खाली था तब 2-3 बार हमने कहो दिया कानो काम कर दियो खेत खाली छे, उन्हें कहीं करा नहीं। फिर अभी 1 महीना पहला भी उनको कहो दिया कानो, मतलब खेत खाली हुई रोज कानो करो तो काम कर दियो, फिर हमारो वो सीजन लगी जाएगा को कहीं तो वो कही गए ना, अभी तक आए लाइन नहीं आई ना, अभी भी आया था वो नदी साफ आया था, 10-12 साफ आया था तो मतलब चुनू नाखी गए ना, आज चौथो रोज हुएगा अभी तक नहीं आया। अब ये फसल छे एकानो मतलब कांदा कण एकानो मतलब 3,000 रुपये किलो को नाखेल छे, नहीं कपास छे, तो 1 महीना को हम कह रहे 1 महीना में हमारे खेत खाली कर दे तो एकानो हमको कोई आपत्ति नहीं है। सिंचाई योजना को लेकर सक्रिय रहे नागझिरी के किसान राधेशान सोलंकी ने बताया कि योजना में सबसे अधिक लापरवाही ठेकेदार और विभाग की है। ये चाहते नहीं कि किसानों को योजना का लाभ जल्दी मिले। ग्यासपुरा तक काम करने के बाद नागझिरी बिस्टान का काम अभी भी अधूरा पड़ा है। सोलंकी ने कहा कि विभाग और ठेकेदार दोनों किसानों को बदनाम करने में लगे हैं। जो किसानों के खेतों में ठेकेदार ने खुदाई की थी वो किसान 3 साल से परेशान थे। स्वयं किसान को 30,000 रुपए अपनी जेब से खर्च कर गड्ढे भरवाने पड़े। आज भी किसानों के खेतों में गड्ढे नहीं भरे गए हैं। किसानों की शिकायत है कि ठेकेदार और विभाग के अधिकारी बेवजह किसानों को बदनाम कर योजना को लंबित कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पाइपलाइन डालने के लिए जमीन खोदी गई, खोदने के बाद नाली को बंद किया जाना था, लेकिन ठेकेदारों ने नाली बंद नहीं करवाई। किसान को 30,000 रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ठेकेदार द्वारा इस नुकसान की भरपाई न कर पाने के लिए किसान ने अपनी जमीन में खुदाई करने से इनकार कर दिया। यहाँ की स्थिति आप स्वयं मेरे साथ में आए हो, इसीलिए डीजेना न्यूज वालों को भी ऑफर दिया था, भैया आप आकर के स्वयं देख लो। तो ठेकेदार और जो विभागीय लोग विभाग वालों की लापरवाही से, विभाग वालों की और ठेकेदार की मनमानी, ठेकेदार भी इतनी मनमानी कर रहा है कि जहाँ पर काम अधूरा छोड़ गए, जो मुख्य नहर का मेन वाले जो पॉइंट है उसको, वहाँ पर कोई किसान खेत नहीं, वहाँ पर भी उन्होंने काम अधूरा छोड़ रखा है, वाल लगाना बाकी थे। और किसानों से भी जाकर के जो 3-4 किसानों के जो बात सामने आ रही, प्रमुख बात 4 रोज से कि अरे किसान काम रोक रहे हैं, तो उनसे मैं स्वयं जाकर के मिला किसान संघ अध्यक्ष होने के नाते, तो कोई भी किसान रोकने के लिए तैयार नहीं। बोले भैया हम तो क्षेत्र में जनता खुशहाल देखना चाहते हैं, क्षेत्र का विकास हो, ये ठेकेदार की लापरवाही से फालतू किसानों को ये बदनाम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इन पे दबाव बना करके एक 15 रोज के अंदर, हम जो चाहते हैं कि 15 या 20 रोज के अंदर ये पूरे काम इन्होंने कंप्लीट करके देना चाहिए, ताकि क्षेत्र में पेयजल की समस्या नहीं हो, क्योंकि आने वाले दिनों में मवेशियों के लिए पानी, खेती के लिए पानी और गांव में भी जनता के लिए भी पीने के पानी के लाले पड़ जाएंगे जनवरी फरवरी में। तो अगर अभी से लोग काम में सक्रिय हो जाते हैं ठेकेदारों के ऊपर दबाव बना करके, तो कोई समस्या नहीं रहेगी। और मैं पुनः निवेदन करता हूं कि किसानों की तरफ से किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं है। अब किसान जब खेत खाली थे, जब ठेकेदार के आदमियों को 4 बार इन्होंने बोला कि भैया दीपावली दशहरे के अवसर पर मुझे भी इन्होंने अवगत करवाया था, मैंने भी उनसे बात करी, तो दशहरे के और अभी के जो अंतराल है 1.5 महीने का,
उसके बीच में इनका काम पूरा हो जाता। बताया जाता है योजना को लेकर विभाग के अधिकारी और ठेकेदार लच्छेदार बातें कर किसानों को उनका आर्थिक नुकसान भी भरपाई नहीं करना चाहते हैं। इसलिए बिस्टान और नागझिरी की मेल लाइनों का काम बंद पड़ा हुआ है। मां नर्मदा उद्वहन समिति के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने कहा कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन और NVDA दोनों मिलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इनकी इच्छा नहीं है कि क्षेत्र के किसानों को पानी मिले। अग्रवाल ने कहा कि योजना को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों ने शुक्रवार को किसानों के साथ बैठक लेने की बात कही है। अगर योजना को जल्दी आगे नहीं बढ़ाया गया तो 23 नवंबर को किसान कलेक्टर से चर्चा कर आगे की रणनीति बनाएंगे। ठेकेदार और कंपनी, ठेकेदार और विभाग की लापरवाही कारण काम बंद किया गया है। और बार बार अपन हम बोलते हैं तो बोले कि हम कर रहे हैं, करा रहे हैं, थोड़ी तकलीफ आ रही है, किसान नहीं मान रहा है। और जब किसानों से बात की तो कंपनी काम करने को तैयार नहीं है। इस संदर्भ में कल शुक्रवार को नागझिरी में बैठक का आयोजन किया गया, परंतु अभी समय नहीं बता पा रहे हैं ठेकेदार और विभाग। इसलिए हम ऐसा लगता है कि कंपनी की और विभाग की दोनों की इच्छा नहीं कि इधर क्षेत्र को पानी दिया जाए जी। तो बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या इसमें समिति को लेकर जो है, इसमें आपकी समिति है किसी प्रकार का, नाम वगैरह, समिति का नाम क्या है आपका? माँ नर्मदा उद्वहन नहर समिति बिस्टान क्षेत्र, और ये 2015 से काम कर रही है। और इसमें मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ठेकेदार का जो माम रोल है वो जरा व्यवस्थित नहीं लग रहा है कि वो कल की बैठक में निर्णय भूमिका निभाएगा वो। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट नागझिरी।